दोस्तों आज हम इंदर कुमार के जीवन की कुछ ऐसी दर्द भरी बातें जानेंगे जो शायद आप लोग कम जानते होंगे। दोस्तों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो हर तरह से परफेक्ट और टैलेंटेड होने के बावजूद भी, जैसे कि उनकी पर्सनालिटी, उनका लुक, फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह नहीं बना पाए जिनके वो हकदार थे। 1995 में 22 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़कर मैं अपनी खुदगर्जी के लिए आप लोगों को अकेला छोड़ के चला जाऊं? नहीं भैया, उधर उधर मां रोते रोते सो गई, जाके देखो भैया, बाकी गालों पे अभी भी आंसू के निशान है, मैं कैसे चला जाऊं? मां तो सिर्फ मां है भैया। पर आंखों में सपने लेकर मुंबई आए थे हीरो बनने और अपनी किस्मत आजमाने। तेरी तरक्की के बारे में जब उसे बताऊंगा ना तो उसके आंसू उस कान में बदल जाएंगे। चल फिर जाओ अजनबी शहर में और जाकर अपने सपने पूरे कर ले, और वैसे भी माँ शेरावाली तेरे साथ है, जब भी पुकारेगा जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। 20 साल तक उन्होंने फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जिनके वो हकदार थे। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद भी उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रहीं। दोस्तों इंदर कुमार के जीवन के बारे में जानने से पहले हम आपको उनके दो वीडियोस के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इमोशनल कर देने वाले वीडियोस वायरल हुए थे। बहुत ही कम उम्र में इंदर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उनकी डेथ हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 43 साल की थी। लोगों का कहना है कि इंदर कुमार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन इंदर कुमार की मौत के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो बहुत ही रुला देने वाला वीडियो था। इस वीडियो में इंदर कुमार बहुत ही इमोशनल दिखाई देते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। वाकई दोस्तों ये वीडियो हमें बहुत ही इमोशनल कर देता है। इस वीडियो में इंदर कुमार जी बहुत ही दुखी दिख रहे हैं। इंदर कुमार का ये वीडियो देखकर हमारी आंखों में भी आंसू भर आते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में इंदर कुमार जी क्या कहते हैं। इस वीडियो में वो अपनी माँ से कहते हैं, हाय मॉम, हाय डैड, मालूम है आप लोगों ने मेरे लिए सब कुछ किया, आप लोगों ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने आप लोगों के प्यार का बहुत फायदा उठाया। छोटू रो रहा है। कैसे चला जाऊं भैया, आपके बिना मैंने जीना सीखा ही नहीं है। और फिर रोते हुए कहते हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी जगह तू बड़ा बनेगा, तू बन गया बड़ा भाई, शायद अपने छोटे भाई से कह रहे हैं। सुबह सूरज देखने से पहले मैं आपका चेहरा देखता हूँ, आपकी सरपरस्ती, माँ का आशीर्वाद, यही तो मेरी ताकत और हिम्मत है, मैं कैसे चला जाऊँ? सबका ख्याल रखना। दिन रात मुझे तंग करते रहा कि मेरा सपना पूरा कर दो, अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो कहता नहीं जाऊंगा। क्या मेरे उंगलियों के निशान लेके जाना चाहता है? हाँ? चल। उसके लिए माफ कर देना आप लोग, अब तो मैं माफी के लायक भी नहीं बचा हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना, लव यू गाइस। फिर वो जोरों से रोते हुए कहते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और इनका ये वीडियो देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, जिंदगी से हार चुके हैं, उनके पास जीने के लिए कोई वजह ही नहीं रही। वो दिशा से भी इतनी मोहब्बत करते थे, एक तरफ से देखा जाए तो दिशा ने उन्हें धोखा दिया। और इस वीडियो में इंदर कुमार जी कहते हैं, मेरी हालत देखकर घूम गए, चलो घुमाता हूँ, रोता नहीं हूँ, हकीकत बताता हूँ, चलो दूर और दूर, इसका दोष मैं किसे दूँ या ना दूँ, गलती गलतियाँ नशीड़ी में चमड़ी खोर में, आज रोड पे आ गया मैं, एक्टर बनने आया था सिक्स पैक फाड़ू बॉडी के साथ, मेरी अय्याशियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे मुझसे छीन लिया, मेरी एडवाइस से अगर कुछ सीख सकते हो तो सीखो, नहीं सीख सकते तो इट्स योर प्रॉब्लम, ये पक्का है कि अगर तुम इसे नहीं सीखे तो कल मेरी जगह तुम्हारे हाथ में भी मोबाइल होगा और तुम भी रिकॉर्डिंग कर रहे होगे, मौत का एक मैसेज छोड़ रहे हो। उनकी मौत के बाद ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वीडियो है।
इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और उनकी मौत के बाद ये वीडियोस काफ़ी वायरल हुए, जो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले वीडियोस हैं दोस्तों। और उनके ये वीडियो पर उनकी बीवी पल्लवी जी का ये कहना था कि ये उनकी फिल्म की शूटिंग का वीडियो है जो हमें किसी एंगल से लग तो नहीं रहा। अब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्हें ईशा कोप्पिकर से फिल्म के दौरान मोहब्बत हो गई थी दोस्तों। वो एक बार निर्देशक पार्थ धोष की फिल्म मसीहा की शूटिंग कर रहे थे, तब वह एक चलते हेलीकॉप्टर से गिर गए थे। जब ये सब हुआ तब वो अपने स्टंट खुद कर रहे थे। वो फिल्म में सुनील शेट्टी की दूसरी भूमिका निभा रहे थे और इस फिल्म के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बदकिस्मती से इतनी बुरी तरह से गिरे कि उनके पाँव में चोट आ गई और डॉक्टरों ने उन्हें 3 साल तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगी भी या नहीं। इन 3 साल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें 3 साल तक बेड रेस्ट की सलाह दी थी और ये साल व्यवहारिक रूप से उनके करियर के लिए मौत की घंटी साबित हुए। इंदर कुमार ने 2004 में एक साक्षात्कार में टाइम्स ऑफ इंडिया को इस घटना के बारे में बताया। वे कहते हैं, मैं मसीहा फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर से गिर गया और अगले 3 सालों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। टूटी हुई रीढ़ के साथ मुंबई में डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पैरों के वापस आने की संभावना कम है। वो कहते हैं ना, मुसीबत में परायों की पहचान हो जाती है और ईशा कोप्पिकर ने उन्हें ऐसी हालत में छोड़ दिया। फिर 2003 में उन्होंने सोनल नाम की एक लड़की से शादी की, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा टिक नहीं पाई क्योंकि वो ईशा कोप्पिकर को भुला नहीं पाए थे और वापस वो ईशा कोप्पिकर से मिलने लगे थे। उन्होंने ईशा कोप्पिकर से वादा किया था कि वो फिल्मों में अपनी जगह बना कर दिखाएंगे। उन्होंने सोहेल खान की मदद से आर्यन फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म भी उनकी नहीं चली। वो इस बात से काफ़ी अपसेट हो गए थे कि ईशा कोप्पिकर ने किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली है। वो पर्सनल रिलेशनशिप में अनलगे रहे। उन्होंने धोखा खाया और उन्होंने शराब का सहारा भी ले लिया था, लेकिन असल बात तो यही थी कि वो ईशा को भूल ही नहीं पा रहे थे और साथ ही साथ उन्हें फिल्मों में भी नाकामी मिल रही थी। फिर उन्होंने एक पल्लवी नाम की मॉडल से शादी की, उनकी एक बेटी भी है। साल 2014 में इंदर कुमार बड़े विवाद में भी घिरे जब उन पर 22 साल की मॉडल और एक्ट्रेस ने रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। उस समय एक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। मॉडल ने कहा कि एक्टर ने उन्हें फिल्मों में काम दिलवाने का वादा किया था, जबकि इंदर कुमार ने कहा था कि वे दोनों रिलेशनशिप में थे और जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो वो लड़की बदला ले रही थी। तब पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले गई थी और उन्होंने 45 दिन जेल में गुजारे और ये उनकी फैमिली के लिए काफ़ी दुख की बात थी। तब इंदर कुमार का कहना था, उनकी बच्ची बहुत ही बीमार थी और उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था और उन्होंने अपना सारा सामान अपने दोस्त के गैरेज में रखवाया और वो अपने दोस्त के घर रह रहे थे। उनके पास कैश देने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी थी और उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब उनके दोस्तों ने भी उनसे किनारा कर लिया था। हालांकि उनकी बीवी पल्लवी जी का ये कहना था कि वो दोनों की सहमति से हुआ था और वो लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और उसमें जितने जिम्मेदार इंदर हैं उतनी ही जिम्मेदार वो लड़की भी है। इस तरह पल्लवी जी ने अपने पति का पूरा साथ दिया था। साल 2014 में मिड-डे द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया था जिसमें वो कहते हैं, जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरी बेटी बीमार पड़ गई। मेरी पत्नी पल्लवी ने मुझे उबारने के लिए मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उसी इंटरव्यू में उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, मेरे लिए अब किराए पर घर मिलना मुश्किल है, मेरा सामान गोदाम में पड़ा है और हम एक दोस्त के यहाँ रह रहे हैं। केवल एक ही व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था, डोली बिंद्रा। उसके अलावा मेरी पत्नी और मैंने फिल्म उद्योग में किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। सलमान खान और इंदर कुमार की बहुत अच्छी दोस्ती थी और सोहेल खान ने जब फिल्म आर्यन बनाई तो इस फिल्म में इंदर कुमार ने काम किया था और इस फिल्म में इंदर कुमार का बहुत अच्छा रोल भी था, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म भी फ्लॉप रही। सलमान खान ने वांटेड में उन्हें काम दिया,
लेकिन फिर भी इंदर कुमार अनलकी ही रहे। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसमें उन्हें मिहिर वीरानी के किरदार में लिया गया था, लेकिन उनके एक्सीडेंट के बाद वो किरदार रोनित रॉय ने निभाया। जब ये वीडियो लगातार वायरल हुआ तो इंदर कुमार की वाइफ पल्लवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये सुसाइड वीडियो नहीं है, वो मौत से ठीक पहले एक फिल्म पर काम कर रहे थे और ये क्लिप उनकी फिल्म से जुड़ी है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की थी कि इसे लेकर तरह तरह की अफवाहें ना फैलाएं। इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन मीडिया में जारी गॉसिप्स में कहा गया था कि ये वीडियो इंदर कुमार की मौत के बाद सामने आया था, जिसमें वो सुसाइड का जिक्र भी करते हैं।